हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरटेल 20 रुपीज़ रिचार्ज वैलिडिटी। तो यहाँ पे आपको मैं 20 रुपीज़ से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ, कितनी इसकी वैलिडिटी है, क्या है, सब कुछ आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप देख सको। दोस्तों, यहाँ पे आप सबसे पहले एयरटेल का जो ऐप है उसे ओपन करना है। यहाँ मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने मिलेगा। तो यहाँ रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, प्रीपेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ एक ऑप्शन देखने मिलेगा टॉक टाइम का, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपको काफ़ी रिचार्ज देखने मिलेंगे अलग अलग, तो ये देख सकते हैं 20 रुपीज़ का। उस पर व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने मिलता है ऊपर लिखा हुआ है 14.95 टॉक टाइम। इसका मतलब ये है कि जो 20 रुपये का जो रिचार्ज होता है उसमें आपको टॉक टाइम मिलता है 14 रुपया और 95 पैसा। तो इतना टॉक टाइम आपको मिलता है, और नीचे लिखा हुआ है नो वैलिडिटी। अब दोस्तों, हम लोग बात करेंगे नो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, यानी इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप चाहो तो ये 14.95 रुपया एक दिन में भी यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं, और आप चाहो तो एक महीने में भी यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ये आप रिचार्ज कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि 20 रुपीज़ रिचार्ज की वैलिडिटी क्या है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। और दोस्तों, चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय।